भी बातें आपकी काफी तवज्जो देना चाहता हूँ। सफाई कर्मी है आज मैं उनके साथ जुड़ा हुआ उस तरह क्योंकि मैं एनएमसी में सीएमओ के पास थी डिस्पेंसरियों में मैंने ज्यादा काम किया है हॉस्पिटल में काम किया है। मैं उनको बहुत करीब से देखता हूँ उनका स्वास्थ्य भी उनकी दशा भी और दिशा भी उनका की तरफ बहुत ध्यान से आया सुने सारे संसार में सफाई का काम जो है स्किल का हो लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का है कि स्किल काम की लिस्ट नहीं क्योंकि अगर इसको स्किल काम की लिस्ट में रखते हैं क्योंकि आज बहुत ही जरूरी है तो उसका वेतन अपने आप को दूसरी बात यह है कि सफाई का काम सारा देश संसार के अंदर ज्यादा इसको पे किया जाता है क्योंकि ये जो काम है उसको एक तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है कि मिनिमल चार्जेज और भी और काम बहुत एक ही तरीके का जैसे हवाई जहाज उतरता है लेकिन उस काम करने वाले लोगों की जो होते हैं उसका वेतन होता है बदलाव होता है। अच्छा हम देखिए कि जो यहाँ पे पहले यूनियन म्यूनिसिपल एक्ट था उसमें ये था अकॉर्डिंग टू द एक्ट भी होता है जहाँ पे नेचर ऑफ वर्क इज रेड होता जहाँ पे काम लगातार होने वाला है उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते। ये पहले पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट था पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट का लिए था उसको अमेंड करके न्यूरल म्यूनिसिपल एक्ट बना दिया जिससे कि ठेका ट्रस्टी का एक रास्ता है। तो मेरे ख्याल से उस हिस्ट्री को हम लोगों को ऐसे याद करना है जहाँ पे नेचर ऑफ वर्क लगातार है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बिल्कुल भी ना रखें क्योंकि अगर उसको हम फिर से रिवाइव करते तो उसका मिला हुआ फिर ये जो सफाई कर्मचारी शब्द है अंग्रेजी का शब्द है हिंदी का शब्द है और अंग्रेजी का मतलब सफाई कर्मचारी इस नाम को बदलना चाहिए। इसको बोलना चाहिए हेल्थ असिस्टेंट जैसे टीचर असिस्टेंट होता है नर्स असिस्टेंट होता है हेल्थ असिस्टेंट क्या बोलते हैं इसको क्या कहीं भारत सरकार में ये कहा जाता है ये नर्स कर्मचारी है ये डॉक्टर कर्मचारी है ये आईएएस कर्मचारी है। तो मेरे ख्याल से अगर इस नाम को यहाँ समझ और जो जो कर्मचारी हमारे हॉस्पिटल में काम करते हैं उसमें एक और शब्द इंटरनेशनल इस्तेमाल किया गया हॉस्पिटल एड यानी कि हॉस्पिटल में जो और भी काम है अब स्ट्रेचर वगैरह थोड़ा बहुत धोना वोना भी पड़ता है कपड़ा कहीं जब छुआ तो उससे ये होगी एक पिन पॉइंट ये कि सिर्फ ये झाड़ू उठा रहा है स्ट्रेचर खुल रहा है जगह पेशेंट को उठा रहा है उसमें इस नाम को अगर बनते हैं आप बदलने का कुछ प्रयास करते हैं तो कोई अच्छा प्रयास करेगा इनको इनको बोले हेल्थ असिस्टेंट कई हेल्थ असिस्टेंट जुड़े हुए हैं और फिर देखिए इनका कोई इंश्योरेंस नहीं है और मैं सोचता हूँ अगर सरकार ने इंश्योरेंस करा दी तो 40 रुपए का 1 लाख का एक साल का इंश्योरेंस हो गया एक्सीडेंट इंश्योरेंस और उसके अंदर अगर आपको हाथ पांव टूट जाए तो बहुत दिक्कत हो जाए 120 दिन तक का इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो कोई भी आदमी अपने इंश्योरेंस का अगर 10 लाख का भी करवाता है तो 500 रुपये देना उसके बाद एक साल में क्योंकि 50% भी कम है। मेरे ख्याल से ये कवरेज हमारे पास रखना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारे पास अब कॉन्ट्रैक्ट जो इतने सारे लेबर है हमारे जो कर्मचारी हैं उनको एक लॉन्ग टर्म सेविंग नहीं है कोई भी यानी कि उनको पेंशन नहीं मिलती तो 10-7 साल ऐसे रखो इनको उसके बाद उसको रेगुलर करो उसके बाद फिर बूढ़े हो जाते हैं काम होता नहीं फिर वो भी भ्रष्ट हो जाते हैं और वो जो भी एक हमारे भाई कह रहे थे वो चाहते भी हैं भारत भी देते हैं सबके आदि व्यक्ति
डायबिटीज बहुत ज्यादा है इनके अंदर, तो इन लोगों का जो हेल्थ चेकअप है उसका भी